रेडी। और देखो मैंने ना फिर से मम्मी का ड्रेस पहन लिया, क्योंकि है ना मुझे मम्मी के ड्रेस पहनने में बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जो कुर्ती होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और नीचे है ना मैंने जीन्स ही पहनी है। चलो मम्मी तो ऑलरेडी रेडी है, वो मार्केट जाने के लिए इतनी एक्साइटेड रहती है ना मम्मी। मम्मी रेडी? हाँ रेडी। और पापा को मना लिया जाने के लिए? हाँ पापा जाना, तेरे भाई को लेके जाना। क्या पापा हमेशा आप बोलते रहते हो मामा को लेके चलो 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 चलो। आप चल के तो ज्यादा पैसे लेते हैं। हाँ मैं मार्केट में नहीं आ रहा, तो बस ड्रॉप करूंगा आप। चल लगा ही था पैसे निकाल लेना। लेकिन ए दीदी मुझे भी आने का है तुम्हारे साथ में, है ना मार्केट के अंदर। मैं मुझे भी शॉपिंग करनी है, 4-5 करोड़ की शॉपिंग। तो तुम मुझे ना मार्केट में नहीं लेके गए तो मैं तुमको शॉपिंग नहीं कराऊंगा, मैं 2-3 करोड़ की। ए मामा पापा को मत लेके चल शॉपिंग करने के लिए, मुझे लेके चल, मैं गाड़ी लेके चलता तुमको शॉपिंग कराने के लिए। मेरे को है ना कुछ भी नहीं सुनने का अभी, है ना मुझे है ना तुम्हारे साथ में मार्केट के अंदर चलने का बोले तो चलने का। अभी मैं है ना ऐसे ये खुद ही सीढ़ियां उतर के मैं चलने वाला है तुम्हारे। पापा मुझे नहीं सुनने का कुछ भी, अभी चलो तुम मुझे लेके मार्केट के अंदर, मुझे आने का है उधर मार्केट में। ए नहीं कृष्णा, तू तो मेरा अच्छा वाला भाई है ना, तू तो मेरे साइड से औरत है। ये तुम सब लोगों की ऐसी की तैसी है ना, मुझे तुम मार्केट में नहीं लेके जा रहे। और ना ये कृष्णा भाई भी है ना मेरे साइड नहीं दे रहा, अभी मैं देखूंगा बाद में। देखो ये जो लहसुन फटाके नहीं होते जो ऐसे ऊपर फेंकने से फूटते, अभी देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगी। दोनों ले लेते हैं, रुको रुको जरा, इसको ऐसे फोड़ना है और पूरी एक मुट्ठी में लेना है सारे के सारे, एक एक फोड़ने के लिए इतना ही नहीं है। ये देखो 1 2 बड़ा मजा आया। चलो तो अभी है ना मम्मी बता सकते हैं कि हमें मार्केट से क्या क्या लेना है, बताओ मम्मी। मेरे भाइयों के लिए गिफ्ट लेने हैं और हाँ। उनके बच्चों के लिए। अच्छा ठीक है। पापा मैं मेरे लिए भी कुछ ले लूँ क्या? ले ले। ठीक है, आज कैसे मान गए पापा? ले ले पापा, क्या है अभी? लेकिन मैं क्या लूंगी सोचना पड़ेगा, मार्केट जाके भी देखना पड़ेगा। पापा बहुत सारे दो, 2000 बस हो गए ना। पापा 500 और दो। हाँ ये ले। कुछ भी भीड़ नहीं है तो हम हमें एकदम फास्ट फास्ट जाएंगे, क्योंकि बच्चों के कपड़े सिलेक्ट करने में ना बहुत टाइम चला जाता है। जब भी मार्केट आऊँ तो ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ ना कुछ खरीद ही लूँ। तो है ना यहाँ पे हम लोग पापा और मामा के लिए ना टी शर्ट देखने के लिए आए। पापा को है ना एकदम प्लेन बिना डिजाइन वाले टी शर्ट ही अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे सारे प्लेन टी शर्ट है ना। व्हाइट में नहीं लेना है ना? व्हाइट बहुत सारे पापा के पास। हाय कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आओ इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशिकंदा। अच्छा तो पापा के लिए ना हम लाइट कलर ही ले रहे हैं, क्योंकि एज यूजुअल पापा को लाइट कलर ही बहुत पसंद है और बिना डिजाइन वाले। चलो मेरे तीनों मामा के लिए ना मम्मी ने टी शर्ट ले ली एकदम मस्त मस्त कलर में। हो गया चलो मामा के लिए तो ले लिया, अभी मामा के जो छोटे छोटे बेबी है ना उनके लिए हम लेंगे। भागो मम्मी, अभी है ना हम एकदम धड़ाधड़ शॉपिंग करते हैं, लेकिन इतना पैसे नहीं है हमारे पास, पापा ने बहुत कंजूसी कर दी। तो हम लोग है ना अभी आए हैं यहाँ पे साड़ी देखने के लिए, मेरी मामियों के लिए भी मम्मी साड़ियाँ ले रही है। मम्मी चूज करो, मम्मी को ये काम बहुत पसंद है साड़ियाँ चूज करना। तो मम्मी है ना चीकू के लिए शूज देख रही है। लास्ट टाइम में मम्मी जब मार्केट आई थी तब देखा था, तब नहीं थे यहाँ पे शूज। देखो मम्मी कितने छोटे वाला, ये देखो ना कितने छोटे छोटे शूज है। मम्मी ने यहाँ से है ना चीकू के लिए सैंडल और क्या लिया, शूज लिया ना। तुझे भी बचपन से नहीं यही से चप्पल लेती थी हमेशा। देखो ना कितने मस्त मस्त एयररिंग्स है। देखो मम्मी ने कितने सारे एयररिंग्स ले लिए। मम्मी करूँ पापा को कॉल? अभी रुक 10 मिनट। 10 मिनट और पूरा मार्केट बंद होने के बाद हम घर जाएंगे क्या? हाँ चल ना थोड़ा देर लगेगा ना। तो मम्मी ने ना उनके लिए यहाँ से एक जूती ली और
एक चप्पल ली है। चलो फाइनली हमारी शॉपिंग भी खत्म हो गई और पूरा मार्केट भी बंद हो रहा है। घर चलो घर मम्मी। हाँ चलो। मम्मी का तो मन ही नहीं भर रहा, पूरा मार्केट बंद हो गया, फिर भी पता नहीं इधर उधर जा ही रही है। देखो 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 मम्मी का। मम्मी मैंने बोला ना मार्केट पूरा बंद हो रहा है, फिर भी मम्मी का मन ही नहीं भर रहा। वो सब मालूम मेरे को। अभी तुमने डिक्के में इतना बड़ी थैली रखे ना तो मैं समझ गया। हाँ। पापा तो आप ये क्या खा रहे थे? मोमोज खा रहा था मैं। हमारे बिना अकेले अकेले? मेरे को भूख लगी थी, तुम इतना टाइम पास कर रहे थे। मम्मी ये लो मोमोज खाओ, आप भी पापा और खाने। अच्छा देखो आगे मेरे पनीर फ्राई मोमोज, बहुत गर्म है। तो अभी हमें ना घर पहुंच गया और देखो यहाँ पर मैं चॉप से मिलने आई हूँ। जूली जूली भी आ गई हमारी। ए चॉप नो, ये कितने भयानक आंखें दिख रही है। चॉप जूली आ गई। मैं घर पे सो गई थी तू चिकी। मुझे नहीं बात करने की अभी किसी से भी, क्योंकि तुम लोग है ना मुझे मार्केट में नहीं लेके गए ना, तो मैं नहीं बात कर रहा अभी किसी से भी। तो आज है ना फाइनली मैं जा रही हूँ अपने गांव, और मैं ना बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि यार अपने गांव जाने की खुशी ही कुछ अलग होती है, आप समझ सकते हो है ना। जो जो गाँव से कमेंट में बताना। तो है ना आज मैं गांव जाने वाली हूँ, वहाँ पे बहुत सारे मज़े करेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे। और कल जो मैं मार्केट से सबके लिए गिफ्ट्स लेके आई थी ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और अभी है ना मैं जल्दी से नहा के रेडी हो जाती हूँ, हमें है ना थोड़ी देर बाद निकलना है। और हम है ना गाँव में 2 दिन रहने वाले हैं, तो खूब मज़े करेंगे, खूब इन्जॉय करेंगे। और यहाँ हमेशा की तरह मेरी मम्मी नाश्ता बना रही है। चिकू आज हम गाँव जाने वाले हैं। हर रोज सुबह से ना फ्रेश फूल लेके आते हैं और हम भगवान को रोज ऐसे फ्रेश फूल ही चढ़ाते हैं, कितने मस्त है देखो ना। चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कल हमने क्या क्या गिफ्ट लाया और भी बहुत कुछ सामान लाया, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये वाला जो ड्रेस है ना, ये वाला ये है ना मेरे मामा के बेटे के लिए, और ये जो साड़ी है ये मेरे मामी के लिए है, और एक साड़ी है ये मेरे नानी मौसी के लिए, और ये जो 3 टी-शर्ट है ना ये है मेरे मामा के लिए। तो ये मेरे दूसरे मामा की जो बेटी है ना जीवा, जो यहाँ पे भी आ चुके हैं हमारे घर पे बहुत बारी है, उसके लिए ली है मैंने चप्पल, अच्छी है ना। तो मैंने ना अपने लिए बहुत मस्त मस्त एयररिंग्स भी लिए मम्मी ने, और मैंने ये देखो कितने सारे हैं। ज्यादातर है ना मैंने इंडियन वेयर लिए, देखो ये सारे इंडियन वेयर एयररिंग्स है। अभी मैं चुपके से ना एक एयररिंग लेके जाता और मेरे गर्लफ्रेंड को देता, वो खुश हो जाएंगी। खुश मेरी एयररिंग चिकू दे दे, मेरा है वो दे। तू है ना मेरे गर्लफ्रेंड की खुशी देख ही नहीं सकती, तू मेरे गर्लफ्रेंड से जलती जलती तू बहुत। और देखो मम्मी के लिए ना मैंने ये मस्त वाली चप्पल भी ली है, आपको ना एक बार पहन के दिखाऊं। देखो ये वाली है क्या ना जूती भी ली है, अच्छी है ना। ला मैं देख रही टीवी, चल देख रिमोट, चल हट अब मैं देखूंगा। नहीं नहीं दे मम्मी बोलो ना इसको। देखो मैं आ गई ये येलो वाला ड्रेस पहन के, कैसा लग रहा है बताओ। चलो मैं जल्दी जल्दी मेकअप कर लेती हूँ। यार मेरे पास वो मिरर होता है ना, वो मिरर ही नहीं है एक्चुअली है ना, चीकू ने मेरा मिरर ही फोड़ दिया, मुझे वो मिरर चाहिए था। कोई बात नहीं मैं और एक मिरर लूंगी मम्मी से बोल के। यार एक बात बताओ ये बेल्ट कैसा लगता है, अच्छा है ना। देखो मैंने ना आज लैशेस भी लगाए, मुझसे ना नीचे कोई मिलने के लिए आया है। आज एक मिनट था मां। हाय हाय बेबी, आओ आओ, कैसे हो? अच्छे। बैठो ना, इतना क्या शर्मा रही हो, बैठो बैठो बैठो। वो पहले ही कह रही थी
तुम्हारे को आवाज देने को। अच्छा, ये तुमको मुंबई से मिलने आए दोनों। अबे तुम ऐसे ही टाइम पास करते बैठेंगे तो कब चलेंगे फिर? हाँ ठीक है, हो गया मेरा, मैं तो कब से रेडी हूँ। हाँ। चल, ऐसे ही चलने वाले हो? और फिर क्या करने का? ससुराल में चल रहे तो अच्छे से चले। हाँ ना पापा के ससुराल में चल रहे हैं हम। तो वहाँ कौन सा, मैं अच्छा जाऊँगा तो मेरे को दहेज मिलने वाला है। चलो चलो। अरे क्या तुम हमेशा के लिए जा रहे क्या उधर? मेरे को लगा तुम परमानेंट जा रहे क्या? चले जाओ, तेरी मम्मी और तुम चले जाओ परमानेंट, उधर आओ मत इधर वापस। क्यों? और पापा आप हमारे बिना रह लोगे से? खुशी से। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, हम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। चल जल्दी, देखो ये कितना मस्त दिख रहा है आज, है ना? ए तुम लोग क्या मुझे भीतर छोड़ के जा रहे हो? आगे ले इधर घर में, नहीं मुझे भी आने का गांव को, अभी मैं उधर गांव को चलने वाला है तुम्हारे साथ में। चलो चले, चलो चले गांव चले। और हाँ, दिव्या ना हमारे साथ में नहीं आ रही है, वो है ना अकेली रहेगी घर पर। बाय दिव्या। चलो फाइनली मम्मी आपके गांव जा रहे हैं, और मम्मी देखो कितनी खुश है। चलो निकल गए हम सब लोग, और देखो हम कैसे बैठे हैं। चीकू उल्टी मत करा ची। हाँ यार उल्टी वगैरह मत करा, सीधे सो जाने का तुम। हम जिस गांव में जा रहे हैं वो मेरे मम्मी और नानी का गांव है, जहाँ मेरी मम्मी पैदा हुई और पापा से मिलने तक अपनी लाइफ गांव में बिताई, और मैंने भी इस गांव में 6-7 साल बिताए। हाय सांगतुला कसा वाटतंय, तू चालली ना आता गावाला? चांगलं वाटायला लागलं ना आता, लय दिवसाच्या नंतर चालले चांगलं वाटायला लागलं। मम्मी आप बताओ आपको कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा पापा देखो फिर से बोरिंग आने लगा, बंद करो बंद करो। आनंद फानंद लगाने का क्या? नहीं 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 बच्चे, सो गया कि तू? जब भी मैं गांव जाती हूँ ना तो जाते जाते एक चीज जरूर देखती हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ वो क्या है। आ गया क्या मम्मी? देखो मैं आपको दिखाती हूँ पहाड़ पे क्या है। देखो ये जो पहाड़ है ना, इसमें बहुत बड़ा ओम लिखा हुआ है। जब भी मैं गांव जाती हूँ ना तो ये ओम देखती हूँ। ओम को देख लिया, हर हर महादेव। पापा भी है ना तुम्हारा आना बहुत हो गया, अभी अभी हटो वो स्टीयरिंग से, क्योंकि मुझे अभी गाड़ी चलाने की है। मैं ना एकदम ऐसे गाड़ी उड़ा के लेके चलता फास्ट एंड फास्ट। पापा तुम है ना वो हाईवे के ऊपर भी है ना 10 के स्पीड से मैं गाड़ी चला रही, इसलिए मैं तुमको बोल रहा है ना वो स्टीयरिंग से हटो, और मुझे तो मैं ना एकदम फास्ट लेके चलता गाँव को। लगता है मेरे रोने के नाटक का है ना इनके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है इनके, इसी की तैसी इनको मैं गांव जाके देखने वाला है। आपको नहीं पीनी पापा? पीऊंगा ना भाई। हाँ तो रुकाओ ना फिर, रुको मैं आपके लिए चाय लेके आई। वाह कॉफी दिख रही है तो पापा लो जल्दी, बहुत गर्म है। पकड़ो पकड़ो बहुत गर्म है। ये दिन में से है ना 10 बार बोलेंगे एसिडिटी हो रही, और है ना 50 बार दिन में चाय पीते रहेंगे। तो यहाँ से है ना अभी मेरा गांव बस 30-40 किलोमीटर है, और है ना मैं बचपन से जब भी गांव जाती थी ना तो मैं ना बस से ही जाती थी। क्या वड़ा है क्या भजिया है?
क्या मेरे को छोटा दिया तूने? तेरे माँ ने छोटा दिया मेरे को ये। सारे छोटे। देखो फाइनली आ गई मैं अपने बचपन के गांव, मेरी नानी के और मम्मी के गांव माजुल गांव। पापा सनरूफ ओपन करो। तो अभी मैं आ गई हूँ मेरी नानी मौसी के घर पर। चलो नानी मौसी मामा सबसे मिलते हैं। ये देखो ये रहा मेरी नानी मौसी का घर। हाय मामी। देखो यहाँ पे है ना मेरी नानी मौसी की एक छोटी सी दुकान भी है। कितनी मस्त है ना। मैं चॉकलेट खा रही हूँ। देखो ये जो रूम है ना ये मेरे बड़े मामा की रूम है। गाँव में ना ऐसे ही रूम होते। कितनी मस्त है ना। ये देखो ये रही छोटे मामा की रूम। और किचन जो है ना वो नीचे है। और वहाँ पे ना एक दुकान भी है, मैंने आपको दिखाई ना। मम्मी मैं भी बैठी क्या दुकान में सामान देने के लिए? हाँ बैठ जाना। कितना मजा आएगा, सबको सामान दूंगी मैं। देखो मुझसे मिलने के लिए कौन है। हाय। हेलो। क्या नाम है? मारिया फिरदौस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे गिफ्ट भी लेके आए हो मेरे लिए। हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और क्या चाहिए? तो हम गांव में ना बहुत मस्ती करेंगे और मैं कल आपको मेरी मम्मी का घर दिखाने लेके चलूंगी और मेरे मम्मी पापा की थोड़ी सी लव स्टोरी भी बताऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और हाँ इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दो, कम से कम 100,000 लाइक तो बनते हैं कि नहीं। और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।